केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 और असेसमेंट ईयर यानी कि निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 को कर दिया और फिर एक बार पुनः आगे बढ़ाते हुए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। क्यों किसी को अपना आयकर रिटर्न भरना चाहिए और वह भी समय के अंदर भरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मैं यहाँ लेकर आता हूँ बैंकिंग, बचत और ऋण से संबंधित जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप समय से अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, आयकर रिटर्न कहाँ भरे, कैसे भरे और क्या सावधानी बरतनी चाहिए आयकर रिटर्न भरते समय, इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर समय से आयकर रिटर्न नहीं भरा गया तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतिम समय में रिटर्न भरते समय गलतियां होने का खतरा बना रहता है। हो सकता है कि वेबसाइट पर बहुत अत्यधिक लोड होने के कारण आप रिटर्न भी ना भर पाए। अगर रिटर्न भरने में चूक हो जाती है तो पेनाल्टी या दंड भी देना पड़ सकता है। रिटर्न भरने में चूक होने पर दंड की प्रक्रिया आयकर अधिकारियों की विवेक पर निर्भर करता था, लेकिन अब इनकम टैक्स की धारा 234F के अनुसार 31 दिसंबर 2020 के बाद रिटर्न फाइल करने वाले पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वैसे व्यक्ति जिनकी आय 5 लाख या उससे कम है उसके लिए यह जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तक है। इनकम टैक्स एक्ट 234A के अनुसार लंबित कर बकाया यानी कि कर भरना बाकी रह गया है और निर्धारित समय जो कि इस साल है 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर कर भरते हैं तो उसके ऊपर 1% ब्याज की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। किसी महीने का आंशिक भाग भी पूरा महीना माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 50,000 इनकम टैक्स भरने थे जो आपने नहीं भरा। यह इनकम टैक्स अगर आप मार्च 2021 में भर रहे हैं तो 50,000 पर 1% ब्याज की दर से 3 महीने का ब्याज 1,500 रुपये भी जमा करना होगा, मतलब कि कुल 51,500 रुपये जमा कराने होंगे। जिनका बकाया कर 1,00,000 रुपये तक है उसके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित है। इस अवधि के बाद चूक करने पर लंबित कर पर ब्याज देना होगा, लेकिन जिनका कर बकाया 1,00,000 से अधिक है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 ही है। जी हां, 31 जुलाई 2020 और उन्हें बकाया कर पर 1% ब्याज की दर से ब्याज देना होगा। तो वैसे लोग जिनका कर बकाया 1,00,000 से अधिक है और उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो वह जल्द से जल्द आयकर रिटर्न भरकर अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। जिनको आयकर विभाग से रिफंड लेना है और वे अगर निर्धारित समय के अंदर रिटर्न भरते हैं तो उन्हें रिफंड आने में भी आसानी होगी, और अगर देर से भरते हैं अपना आयकर रिटर्न तो उन्हें रिफंड आने में भी देरी होगी। साथ ही साथ रिफंड के ऊपर मिलने वाला ब्याज भी कम मिलेगा। जिन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया है उनके रिफंड पर ब्याज की गणना 0.5% की ब्याज दर से उस महीने से की जाएगी जिस महीने में रिटर्न भरा गया है। अगर आप समय से रिटर्न भरते हैं तो आपके रिफंड पर ब्याज की गणना निर्धारित वर्ष के पहले महीने मतलब अप्रैल माह से शुरू की जाएगी। हानि की स्थिति में आयकर विभाग अगले 8 वर्षों में
अपने आय से उस हानि की क्षतिपूर्ति की अनुमति देता है। अगर समय से रिटर्न नहीं भरा जाता है तो इस स्थिति में हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित हानि को ही इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं और बाकी अन्य हानि को अपने इनकम टैक्स में आप नहीं दिखा सकते हैं। जब हम विदेश में जाने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं या किसी ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो वहां आयकर रिटर्न मांगा जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय से आप अपना आयकर रिटर्न भर दें और इसकी कॉपी ज़रूरत पड़ने पर विभाग में उपलब्ध करा सकें। जो लोग 31 दिसंबर 2020 तक आयकर रिटर्न भरने में चूक हो जाते हैं उन्हें कम से कम 31 मार्च 2021 के पहले पहले अपना आयकर रिटर्न भर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात आती है कि आयकर रिटर्न कैसे भरें। तो इसके लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं या फिर आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiafiling.gov.in पर जाकर अपने को रजिस्टर कर आयकर भर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर इस वेबसाइट को खोलते हैं तो वहां आप अपना पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न और उसकी स्थिति देख सकते हैं। इस वित्त वर्ष में आपने कितना कर जमा किया है इसे भी आप अपने फॉर्म नंबर 26AS मतलब 26AS से देख सकते हैं। आपके पैन नंबर से जो भी लिंक डेटा है वह आयकर रिटर्न फॉर्म में भरा हुआ मिल जाएगा, जो हमारा बहुत सारा समय आयकर रिटर्न भरने में बचा लेता है। वेबसाइट को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसमें एक अतिरिक्त सुविधा अपनाई गई है जिसे ई फाइलिंग वॉल्ट कहा जाता है। इसमें लॉगिन करने के लिए नेट बैंकिंग और आधार आधारित OTP की सुविधा किसी अन्य यूज़र ID और पासवर्ड की तरह ज़रूरत होगी। अगर किसी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद चाहिए तो वह इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स पेयर सर्विसेज में जाकर मदद ले सकता है। यहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त इनकम टैक्स एक्सपर्ट होते हैं जो आपको आयकर रिटर्न भरने में मदद करते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें फीस देती है जो कि पहले साल में भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न का 3% होता है, दूसरे साल में यह फीस 2% और तीसरे साल में 1% हो जाता है। फीस की अधिकतम राशि ₹1,000 और न्यूनतम राशि ₹250 निर्धारित की गई है। अगर किसी रिटर्न का फीस ₹250 से कम है तो आयकर रिटर्न सहायक ग्राहक से इतनी धनराशि चार्ज कर सकता है जितनी कि ₹250 से कम है। अगर किसी आयकर दाता को रिफंड वापस कराना है या कोई शिकायत दर्ज करनी है तो इसके लिए इस वेबसाइट पर ई निर्वाण टैब पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर सहज महसूस नहीं करते हैं तो दूसरे भी वेबसाइट हैं जैसे टैक्स स्माइल, टैक्स स्पैनर, क्लियर टैक्स इत्यादि, जहां से आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह वेबसाइट आपकी डेटा को सुरक्षित रखते हैं और रिटर्न दाखिल करने में कुछ रकम चार्ज करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इनके एक्सपर्ट की भी आप मदद ले सकते हैं। पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना होता था जिनकी आय मूल छूट सीमा यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में वैसे लोगों को भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा जिन्होंने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक धनराशि अपने किसी करंट अकाउंट में या एक से अधिक करंट अकाउंट में जमा किया हो। जमा धनराशि एक मुश्त भी हो सकती है या टुकड़ों में भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक का व्यय किया है या 1 लाख से अधिक रुपए का बिजली बिल का भुगतान किया है
तो उन्हें भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है, चाहे वह इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या नहीं आते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आय के स्रोत के अनुसार फॉर्म का चुनाव कर रिटर्न दाखिल करना होता है। तो सबसे पहले आप देखिए आईटीआर वन में उन लोगों के लिए यह फॉर्म है जिनकी आय का स्रोत सैलरी या फिर एक हाउसिंग प्रॉपर्टी या अन्य स्रोत जैसे ब्याज है और टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की है। आईटीआर दो वैसे व्यक्ति या एचयूएफ जिनका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंतर्गत ना तो कोई व्यापार है और ना ही कोई व्यवसाय है। ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या जिन्होंने अनलिमिटेड इक्विटी शेयर में निवेश किया हुआ है, उन्हें भी आईटीआर दो फाइल करना होता है। आईटीआर दो उन लोगों के लिए है जिनकी आय का एक स्रोत लॉटरी है या कृषि से आय 5,000 रुपये से अधिक है या एक से अधिक हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर आय का स्रोत विदेशों से है। अगर किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति विदेश में है या फिर पिछले साल की हुई हानि को इस साल भी अपने रिटर्न में दिखाकर छूट लेना चाहते हैं तो उन्हें भी आईटीआर दो फाइल करना होगा। आईटीआर तीन ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी आय का स्रोत प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंतर्गत व्यापार या व्यवसाय है, उनके लिए है। आईटीआर चार यह उन बिजनेस या व्यापार या प्रोफेशन या व्यवसाय करने वालों के लिए है जिन्होंने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को चुना है। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से इनकम टैक्स वैसे व्यापार या बिजनेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और ऐसा प्रोफेशन या व्यवसाय जिनका कुल रसीद 50 लाख रुपए से कम है, उन्हें फ्लैट 6-8% अपने कुल टर्नओवर का इनकम टैक्स के रूप में चुकाना होता है। आईटीआर 5 वैसे व्यक्ति या एचयूएफ या कंपनी या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आईटीआर 7 फाइल किया है, इनके अलावा व्यक्तियों के लिए है, जबकि आईटीआर 6 धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कंपनी से भिन्न कंपनियों के लिए है और आईटीआर 7 उन व्यक्तियों के लिए है जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं और जिन्हें विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वैसे व्यक्ति जिनकी आय अधिक है और इनकम टैक्स की धारा 80C से 80U के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम के साथ होम लोन की राशि और बच्चों के ट्यूशन फीस के भुगतान पर इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। यह छूट अधिकतम 1,50,000 रुपये तक है। इससे आप 45,000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो धारा 80CCD सबसेक्शन 1B के अंतर्गत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है। इसके अलावा धारा 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस पर धारा 80G के तहत संस्थाओं को दिए गए दान पर और धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर कटौती का दावा किया जा सकता है। आप अपनी संपत्ति या पैसा नॉन अर्निंग जीवन साथी या रिटायर्ड पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर टैक्स लायबिलिटी को सीमित कर सकते हैं। मान लीजिए मोहन की सैलरी 25 लाख है और हाउस प्रॉपर्टी से सालाना 3 लाख की आय है। मोहन हाउसिंग प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कर 3 लाख के ऊपर लगने वाली कमाई पर 31.3% की दर से लगने वाला 93,600 रुपये का टैक्स बचा सकता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आय के विभिन्न स्रोतों के लिए अलग अलग लीगल एंटिटी बना सकते हैं।
इसमें सबसे आसान रूप है HUF। HUF की टैक्स देनदारी की गणना इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अनुसार होती है और 80C से 80U के तहत टैक्स कटौती और छूट का लाभ मिल जाता है। CBDT ने शेयरों में हुई कमाई को बिजनेस इनकम के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे हुए शॉर्ट टर्म गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम या दोनों रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि इसे बिजनेस इनकम में वर्गीकृत करते हैं तो इसे नियमित आय से जोड़ा जाता है और इंडिविजुअल टैक्स के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। इस बिजनेस इनकम पर ब्रोकरेज, STT, अन्य स्टैट्यूटरी टैक्स, इंटरनेट, फोन इत्यादि खर्चों की कटौती उपलब्ध है। इसके अलावा जो व्यक्ति लोन लेकर के घर खरीदता है या इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो वह भी इनकम टैक्स की धारा 80EEA और 80EEB के अंतर्गत छूट ले सकता है। इस वर्ष केंद्रीय सरकार ने टैक्स सेविंग निवेश में निवेश करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। मतलब कि 30 जून 2020 तक किए गए निवेश में इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में किया गया निवेश अलग शेड्यूल में दिखाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छूट की अधिकतम राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ समय को बदला गया है। पहले रिटर्न फाइल करते समय रिफंड के लिए सिर्फ एक बैंक खाता ही देना होता था, लेकिन अब एक से अधिक खाते में आप अपना रिफंड ले सकते हैं। यह सुविधा इसलिए शुरू की गई है कि कई बार यह देखा गया है कि अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होता है, जिससे कि आयकर विभाग को रिफंड जारी करने में परेशानी होती थी। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अगर किसी दूसरी पार्टी जैसे ऑडिटर या किराएदार का पैन नंबर मांगा जाता है तो वहां पैन नंबर की जगह आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी नोटिस के जवाब में आयकर दाखिल कर रहे हैं तो वहां डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे कि नोटिस की पहचान हो सके, डालने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयकर रिटर्न भरने के बाद इसे इलेक्ट्रॉनिकली सत्यापित करना ना भूलें। आयकर रिटर्न सत्यापित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक है तो आप आधार आधारित OTP के द्वारा भी इसे सत्यापित कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है आयकर को सत्यापित करने का। इसके अलावा आप आयकर रिटर्न और एक्नॉलेजमेंट की कॉपी पर अपने हस्ताक्षर कर रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के अंदर आयकर विभाग ऑफिस बेंगलुरु को भेजकर इसे सत्यापित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रुकता हूं। मैं समझता हूं कि आपको इनकम टैक्स कैसे भरना है और क्यों भरना चाहिए, क्या सावधानी रखनी है, ये सभी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों सबके साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।